का प्रॉपर्टीज लैंड ग्रैबिंग करने के लिए इन लोग ये पूरे हरकतें कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे को एक काशन नोटिस आया 18 दिसंबर में दक्कन क्रॉनिकल पेपर में आया था। इसमें क्या है बोले तो NCS बिल्डर्स वाले ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको कौन भी है ऑब्जेक्शन है तो काशन नोटिस दिए। इस ऑब्जेक्शन को हम उनके वकील साहब सपना रेड्डी है तो उनको हम काशन नोटिस को रिप्लाई रजिस्टर पोस्ट करें। ये रजिस्टर पोस्ट का लेटर है, ये काशन नोटिस है। इसी के वास्ते हम ये NCS बिल्डर उन लोगों को क्या बोल रहे चाह रहे तो हम भी रिप्लाई नोटिस काशन नोटिस को हम भी पेपर में पब्लिकेशन दिए हैं। इसके वास्ते जो भी प्रॉपर्टीज इन लोग खरीदने वाले हैं उन लोग अगर कुछ इतना होने के बाद भी उन लोग खरीदे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रहते हैं। ये प्रॉपर्टी के वास्ते हम हर चीज़ हर तरीका लड़ने के लिए पूरा इंक्वायरी करके देखे तक अपने को पूरा मालूम हुआ क्या है कि बोले तो ये कोत्तूर पुलिस स्टेशन नंदीगाम एरिया में इनके ऊपर क्राइम नंबर 131 ऑफ 2014, 150 ऑफ 2014 और सिटी सिविल कोर्ट में भी OS नंबर 29 और कई क्रिमिनल एंड सिविल केसेस पेंडिंग है। उसी के वास्ते हम ये चाहते हैं अभी हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री KCR साहब ने ऐसा किया है, जो भी है किसी का भी प्रॉपर्टी है तो उनका प्रॉपर्टी उनको दिलाने के वास्ते ये अपना आधार और लिंक करने के लिए और पूरा स्टेप्स लेने के लिए रेवेन्यू का पूरा प्रक्षालन करके जो भी ओनर्स हैं उन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं मिलना बोल के पूरा तरीके से कोशिश चल रहा है। प्रॉपर्टी हड़पने के वास्ते कई लोग पूरे यहाँ का भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में है, महाराजा कृष्ण प्रसाद का प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज़ के वास्ते हमारे को प्रोटेक्शन देना और इनमें कई से कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। FIRों में लोकल लीडरों का बेटों के नाम पे भी FIR हुआ है और इसी के वास्ते पेपरों में कई बार हम पूरा इंक्वायरी करके निकाले तो पूरा फोटो के साथ पेपरों में आया और FIR इशू है, सब इशू है। और हमारे क्लाइंटों को हमारे को लाइफ थ्रेट भी है, उसके वास्ते हमारा क्लाइंट को हमारे को पूरा गवर्नमेंट ये प्रोटेक्शन देने के भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के वास्ते न्याय इंसाफ के वास्ते इन लोग लड़ रहे हैं, इंसाफ देना चाहिए और हक हमको मिलना चाहिए और यह है पूरा हक जो है महाराजा कृष्ण प्रसाद की फैमिली का हक है जिसमें एक शेयरहोल्डर मैं भी हूँ। आई हैव टू क्लियर मोर थिंग्स दैट सर महाराजा कृष्ण प्रसाद हैविंग लॉट प्रॉपर्टीज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर डिवीजन शादनगर एंड मंडल सो मेनी प्रॉपर्टीज इन दिस स्टेट इन दिस डिस्ट्रिक्ट इन दिस मंडल नाउ इट इज कम अंडर आर आर डिस्ट्रिक्ट। सो वी हैव टू क्लियर दैट एनीबडी वॉन्ट टू क्लियर दैट दिस टाइटल ऑन दिस अवर लाइन्स हियर टू महाराष्ट्र ऑल्सो वी देर हैव टू क्लियर विथ हिंदू फैमिली एंड मुस्लिम फैमिलीज टू टेक द टाइटल्स। किशन राव साहब ये केस को पूरा इन्हों ही देख रहे हैं, अब इनसे कुछ सुनिए जो केस की नोवियत क्या है। मैं किशन हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ। ये हमारा क्लाइंट है महाराजा कृष्ण प्रसाद के पुत्र है, नवासे के बेटे हैं। ये ऐसा चीज़ है, महाराजा कृष्ण प्रसाद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ निजाम 6th and 7th नवाब के पीरियड में इन होते हैं। इनके जो भी प्रॉपर्टीज है एज पर द मुंतकाब से चलता है, मुंतकाब का से बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। ये लोग कौन भी है ऐसे हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कानूनी केसेस चल रहे तो भी इन लोग वो केसेस को देख रहे नहीं। उसका से मेरा ये अपील है, ये महाराजा कृष्ण प्रसाद के जितने भी प्रॉपर्टीज है, बड़ा फैमिली है, हिंदू फैमिली मुस्लिम फैमिली है, इन लोगों को पूरों को इनका प्रॉपर्टी का राइट और उनके कोई भी मुआवजा गवर्नमेंट लिए या प्राइवेट वाले भी कुछ हरकत कर रहे तो उनको ऊपर केस करने के लिए हमारा क्लाइंट पूरा रेडी है। इसी के इस केस में
एक WP नंबर 5887 ऑफ 2019 पेंडिंग है, ये इसमें हमारा को पार्टी नहीं बनाया तो हम इसमें इम्प्लीड होके मेरा IA नंबर 1 ऑफ 2021 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी वास्ते भी हम क्या करें बोले तो पूरे ऑफिसरों को, कलेक्टर को, MRO को, RDO को, इन लोगों को, उन लोगों के ऊपर मोटेशन नहीं करना, ये गलत है। वेंकटराव मेमोरियल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ऐसा खेल चल रहा है कि महाराजा कृष्ण प्रसाद का प्रॉपर्टीज लैंड ग्रैबिंग करने के लिए इन लोग ये पूरे हरकतें कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे को एक रेडी और रानी महबूबनिसान बेगम सर महाराजा किशोर प्रसाद बहादुर सिक्स निज़ाम और सेवन्थ निज़ाम के वज़ीर आज़म थे स्टेट ऑफ निज़ाम स्टेट में। मैं उनका पोत्र हूँ और महाराजा किशोर प्रसाद की तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका में 208 प्रॉपर्टीज़ है, गांव है पूरे, टोटल लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एज पर मुंतखब। ये देखिए ये मुंतखब है, ये मुंतखब है, पूरी डिटेल इसके अंदर मुंतखब में है। ये तो इसके तहत एक प्रॉपर्टी यहाँ पे कुत्तूर नंदीगांव में है, नंदीगांव में एक प्रॉपर्टी है, नंदीगांव विलेज, नंदीगांव मंडल में है, जो 2007 में, 2007 से इस ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी जो है काम कर रहे हैं और इलीगल काम चल रहा है लोगों का। ये देखिए सर महाराजा किशन प्रसाद की ज़मीन है जो एक ट्रस्ट को दिए थे बोल रहे, लेकिन गलत है वो। एतमाद नोटिस है, 2007 की नोटिस है, 2007 से इलीगल लोग जो है एक्टिविस्ट करके जो है ज़मीन को हड़पे और जाली पेपर बना के जो कि ये पेपर के अंदर है, 35 लैंड ग्रैबर्स को जेल हुई, सज़ा हुई, उसके बाद में वो सिलसिला आज तक जारी है। तो उसी की कड़ी में ये परसों एक नोटिस आई, कॉशन नोटिस है। ये कौन सी कंपनी है, ये NCS कंपनी, NCS बिल्डर जो है ये ज़मीन ख़रीदी, उसके ये कॉशन नोटिस दिया हो, 18 दिसंबर में ख़रीदा उसने, ये रिप्लाई नोटिस हम इसका ये देखिए एडवोकेट को ऑफिस टू ऑफिस एक रिप्लाई नोटिस भेजा गया। ये क्या नाम है वकील का, है बोकारू सपना रेड्डी को नोटिस हमारे एडवोकेट के जरिए भेजा दिए कि चलो तुम रिप्लाई नोटिस दे दिए। उसके बाद में ये एक पब्लिक नोटिस आज दिए हैं, ये देखिए ये एक पब्लिक नोटिस है। ये इन लोग ऐसे हरकतें करके जो है इलीगल हरकतें करके पूरे ज़मीन को हड़प रहे, इसके बावजूद जो है इसके बावजूद हम हाईकोर्ट में ये केस डाले हुए हैं जिसका WPMP नंबर है, WP हाईकोर्ट का रीट पिटीशन है, ये WP नंबर है इसका 5887 ऑफ 19, ये WP नंबर है इसका 5887 ऑफ 19। ये देखिए इम्प्लीट पिटीशन आई ए नंबर पेंडिंग है, ये केस भी पेंडिंग है। ये इसके अलावा हम पूरे कंसल डिपार्टमेंट्स को, पूरे कंसल डिपार्टमेंट्स को जिसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दिए 20 फरवरी 2021 को दिए और एक दिए ऑनरेबल कलेक्टर रंगा रेड्डी को, वो भी 20 तारीख को ही दिए, सेम एक ही डेट में दिए हमारी तरफ से। और सर्वे नंबर के हिसाब से केस नंबर्स भी पूरे इसके अंदर डाल दिए और उस तहसीलदार को भी इसका, नंदीगांव तहसीलदार को भी इसका दिए 20 तारीख को, ये भी 20 तारीख को दिए। सब रजिस्ट्रार को भी इसकी नोटिस दी गई और म्यूनसिपल सेक्रेटरी और टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सेक्रेटरी को भी दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी नोटिस दी गई, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर को भी नोटिस दिया गया। ये तमाम नोटिस हम कंसल डिपार्टमेंट्स को भी दिए, इसके बावजूद 7/7/2021 को, 7 जुलाई 2021 को स्पेशल ट्रिब्यूनल
रंगारेड्डी से ये जो है उन लोगों के फेवर में ये ऑर्डर हुआ, कलेक्टर स्पेशल ट्रिब्यूनल से हुआ है। इसका केस नंबर है केस नंबर B1B01752/2018 को, जबकि ये हम कब दिए, फरवरी में दिए, ये जुलाई 2019 में, ये 21 को ये ऑर्डर, ये सब होने के बाद में भी कलेक्टर ने लोग जो है इनके फेवर में ऑर्डर दिए, तो ये कैसा पॉसिबल है ये कि इतना सब देने के बाद में क्या कलेक्टर लोग पूरा डिपार्टमेंट क्या मैनेज है क्या वो लोगों से, इसमें पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर भी इसके अंदर है, वो लोग भी इन्वॉल्व है ऐसा महसूस होता है हमको, क्योंकि ऑलरेडी सामने नज़र आ रहा है कि ऑल ये सब होने के बावजूद ना डिपार्टमेंट कोई इस पर एक्शन लिया, ना कोई जो इसको ना हमारे को नोटिस दी गई कि भाई इनको हम ऑर्डर दे रहे बोल के, हमारे को भी नोटिस नहीं आई, हमारे को नोटिस देना चाहिए कि भाई हम इनके इनके लिए फेवर में हम दे रहे बोल के, या इनका कोई कोई ऑब्जेक्शन आया बोल के कुछ देना, लेकिन कुछ भी हमारे को इसका कोई रिप्लाई कोई हमारे को डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई भी हमारे को नोटिस वगैरह नहीं आई, ना हमारे को कोई इंटीमेशन है इसका, तो ये कैसा हुआ फिर ये, इसमें कोई मैं समझता हूँ साफ जाहिर ये बात कि भाई इसमें डिपार्टमेंट वाले इन्वॉल्व है और पॉलिटिकल लीडर्स इसका भी प्रेशर इसके ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये कैसा है कि हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, डिपार्टमेंट रेवेन्यू में इंक्वायरी की जाए, डिपार्टमेंट रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है और तेलंगाना गवर्नमेंट से केसीआर साहब से भी रिक्वेस्ट, उसके बाद इशू हुआ तो वो भी पाँच महीने के बाद, तो पाँच महीने तक ये लोग फाइल लेके बैठे रहे खाली, हमारे को पार्टी भी नहीं बना है इसके अंदर, जब हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो हमारे को इसमें पार्टी तो बनाना, पार्टी भी नहीं बनाया, रिप्लाई नोटिस भी नहीं आया हमारे, ये देखिए इसके अलावा ये 2007 से लेके अब तक के ऐसे कई FIR उन लोगों के उन लोगों पर है, ये देखिए FIR ऐसे कई ये केस में क्रिमिनल केस रजिस्टर हुए इसके अंदर, ये पूरे FIR है, कई FIR है इसके अंदर और कई केसेस चल रहे हैं, ये देखिए क्राइम नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 131 बाई वन पेंडिंग बाइट क्राइम नंबर 131 ऑफ 2014, FIR नंबर 150 ऑफ 2014 एंड OS नंबर 29/2007 ऑल्सो पेंडिंग ऑन द फाइल, मैनी क्रिमिनल केसेस इसके अंदर चल रहे हैं, पेंडिंग है, इसके बावजूद आप सोचिए उसके बारे में हमारा हाईकोर्ट में भी जो है ये है, हम भी जो है हाईकोर्ट में डाले, IA नंबर 1 पेंडिंग है और रिट पिटिशन नंबर 5/87/2019 इज पेंडिंग ऑन द फाइल ऑफ द हॉनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना हैदराबाद। फिर उसके बाद में ये कैसा दिए, ये सब होने के बाद में इधर तो सीधा सीधा मैनेज होने वाली बात है, ये डिपार्टमेंट भी मैनेज हो गया और जो है इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व है, नहीं ये महाराजा ये प्रॉपर्टी महाराजा किशन प्रसाद की प्रॉपर्टी है जो वजीर आजम थे यहाँ के निज़ाम के 6 निज़ाम और महबूब पाशा और निज़ाम उस्मान अली खान के दौर के वजीर आजम थे, उनके लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ यहाँ तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इन तमाम जगह इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जाके वहाँ पर भी हम इसमें चल रहे हम भी इस, और इसके अंदर क्या है हिंदू मुस्लिम फैमिली की मुस्लिम फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी है ये, और हमारे हिंदू मुस्लिम फैमिली में हमारे में कोई क्लैशेस नहीं है, कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं है, हमारा इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और ये टोटल इसका हक जो है पूरी महाराजा किशन प्रसाद की फैमिली को जाना चाहिए, जिसमें मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फयाज अली खान है और मैं महाराजा किशन प्रसाद के नवासे मोहम्मद हुसैन अली खान का सगा बेटा हूँ मैं और उनकी बेटी रानी महबूबनिसा बेगम का मैं पोतरा हूँ, जो कोई भी खरीदेंगे और इसके अलावा ये जो भी काम इसके ये सब होने के बाद में भी अगर कोई खरीदेंगे तो इसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे, हम उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, बराबर सुप्रीम कोर्ट तक भी हमको जाना है, जहाँ तक भी हमको जाना है हम जाएंगे, लेकिन ये रोकेंगे हम, बराबर हमारी चीज़ हमको हासिल करना